हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 6 महीने से कम के बच्चे जो सिर्फ माँ का दूध ले रहे हैं, यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, उन बच्चों का वज़न कैसे बढ़ाएं। देखिए क्या होता है कि 6 महीने तक आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी होती है, आपको कोई ऊपर का खाना बच्चे को नहीं देना होता है। तो ऐसे में जो है मदर परेशान होती हैं, जिन बच्चों का वज़न नहीं बढ़ रहा है वो मदर जो है परेशान रहती हैं कि कैसे बच्चे का वज़न बढ़ाना है। देखिए 6 महीने के बाद तो आपको बहुत ऑप्शन हो जाते हैं कि बच्चे को क्या देना है, क्या खिलाना है ऊपर का ऐसा जिससे कि बच्चे का वज़न बढ़े। इस पर ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो है, वो आप ज़रूर देखें। पर जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पे डिपेंड हैं, उनका वज़न कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 6 महीने तक बच्चे का कितना वज़न हो जाना चाहिए, कितना वज़न नॉर्मली उसको गेन कर लेना चाहिए 6 महीने के आते आते। तो बच्चे का जो बर्थ वेट था उसका दुगना यानी कि डबल हो जाना चाहिए 6 महीने तक। यानी कि बच्चे का बर्थ वेट अगर 2.5 kg था और 6 महीने के आते आते बच्चे का वज़न हो जाना चाहिए उसका दुगना यानी कि डबल हो जाना चाहिए 5 kg अगर उसका बर्थ वेट 2.5 kg था। तो इसी अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे का वेट देख सकते हैं। तो अगर बच्चे का वेट बहुत कम है, वो बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ने की तरफ नहीं जा रहा है बल्कि घटने की तरफ जा रहा है, थोड़ा बहुत भी बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करना चाहिए। देखिए महिलाएं जो हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराने समय कुछ गलतियां करती हैं, एक दो गलतियां जो करती हैं वो आपको बताऊंगी, वो गलती आपको नहीं करनी है जिससे कि बच्चे का वज़न बढ़ने में कोई रुकावट पैदा ना हो। तो सबसे पहले गलती जो करती हैं लेडीज़ें क्या करती हैं कि बच्चे को दूध पिलाया, 5 मिनट एक ब्रेस्ट से पिलाया, एक छाती से पिलाया, फिर 5 मिनट बाद जो है महिला को लगता है कि बहुत है, दूसरे ब्रेस्ट से पिलाया या फिर बच्चे को सुला दिया, फिर उठा तो बच्चा दूसरे ब्रेस्ट में लगा दिया। तो देखिए क्या होता है कि जब हम बच्चे को 8-10 मिनट एक ब्रेस्ट से फीड कराते हैं तो फर्स्ट में देखेंगे कि आप पतला मिल्क निकलेगा, जिसे 4 मिल्क बोलते हैं, जिसे पतला होता है जो कि बच्चे की प्यास को बुझाता है, पानी की कमी को पूरा करता है और बच्चे में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। उसके बाद आप देखेंगे लगातार, आप 8-10 मिनट के बाद देखेंगे लगातार अगर आप उसी ब्रेस्ट से फीड करा रहे हैं तो दूध जो है थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा, जिसे हाइंड मिल्क बोलते हैं, और ये मिल्क जो है थोड़ा गाढ़ा होता है पहले वाले मिल्क के मुकाबले गाढ़ा होता है, और इसमें ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं बच्चे के लिए, जैसे इसमें फैट की अच्छी खासी मात्रा होती है जो कि बच्चे का वजन को बढ़ाने में मदद करता है। लेडीज़ें यहाँ पे क्या गलती करती हैं, ध्यान देने वाली बात ये है कि लेडीज़ें क्या करती हैं, 5 मिनट तक एक ब्रेस्ट में लगाया, उसके बाद वो चेंज कर लेती हैं, दूसरे ब्रेस्ट में लगाती हैं, तो बच्चे को 5 मिनट में तो 4 मिल्क ही मिलेगा, जो पहले वाला पतला मिल्क है वो ही मिलेगा, उसको कोई फैट बच्चे के अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि जब तक आप 8-10 मिनट तक कंटिन्यू नहीं फीड कराएंगी तो अंदर वाला जो हाइंड मिल्क है, जो गाढ़ा मिल्क होता है जिसमें फैट होता है, वो बच्चे को मिलेगा नहीं। 5 मिनट के बाद आप चेंज कर ले रही हैं और उसके बाद उसको शुरुआत में पतला मिल्क मिल रहा है, ऐसे करके फिर बच्चा सो जाता है। तो ऐसे करके बच्चे को आप बार बार 4 मिल्क दे रही हैं, पतला वाला मिल्क दे रही हैं, आप हाइंड मिल्क बच्चे को नहीं दे रही हैं जिसमें फैट होता है। तो आप कम से कम 15 से 20 मिनट तक अच्छे से, जब तक कि आपको लगे कि छाती खाली नहीं हो गई है, अब दूध आना बंद हो गया है, तब तक आप बच्चे को छाती से लगा के रखें, उसे जगा के रखें, कंटिन्यू 15 से 20 मिनट तक एक ही छाती से लगा के रखें, ताकि दोनों मिल्क का बेनिफिट बच्चे को मिल सके, 4 मिल्क का भी और हाइंड मिल्क का भी। 4 मिल्क और हाइंड मिल्क के ऊपर मेरा डिटेल में वीडियो है, वो ज़रूर आप देखें, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। इसके अलावा जिन महिलाओं में डिलीवरी के बाद दूध ही नहीं बन रहा है या फिर कम बन रहा है, कैसे बढ़ाना है, इस टॉपिक पे भी वीडियो है हमारे चैनल पे, वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। और चीज़, अगर जिन बच्चों का बर्थ वेट ही कम है, लो बर्थ वेट के बच्चे पैदा हुए हैं, जो उनका धीरे धीरे ही वेट बढ़ता है, एकदम से बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा, जैसे मैंने बताया कि 6 महीने में डबल हो जाना चाहिए, तो उन बच्चों में धीरे धीरे ही बढ़ता है, उन बच्चों में एकदम से वेट नहीं बढ़ेगा। आपको ब्रेस्ट फीडिंग सही से करानी है, सही से बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है, जिससे कि धीरे धीरे ही बच्चे का वजन बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपसे वीडियो मिस
ना हो, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल टॉपिक हम हमेशा अपने चैनल पे लेके आते हैं। और भी कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है आपके मन में तो नीचे हमें कमेंट में लिखिए, या फिर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे भी हमें सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।